जिला पदाधिकारी के आदेश पर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर कोविड 19 कोरोना वायरस को लेकर फिर से एक बार प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना वायरस बीमारी से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है एवं लोगों को मास्क लगाकर चलने की अपील टेरागाज प्रशासन की तरफ से किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी कुमार पंडित, अंचल अधिकारी अजय चौधरी, थाना अध्यक्ष तरुण कुमार एवं सांख्यिकी पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने मार्केट में फ्लैग मार्च के साथ माइक लगाकर लोगों को जागरूक किया और कोविड 19 कोरोना वायरस से बचाव हेतु फेस मास्क लगाकर बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलने की बात कही। वहीं अलग अलग जगह पर बैरियर लगाकर बाइक चालक को रोककर मास्क लगाने का कहा गया। अगर कल से जो व्यक्ति मास्क लगाकर नहीं चलेगा उस पर फाइन लगाया जाएगा। आज टेरागाज कॉलेज चौक, फुलवरिया, झाला और इत्यादि जगहों पर विशेष तौर से जागरूकता अभियान चलाया गया। वीडियो थाना अध्यक्ष ने जागरूकता को लेकर फ्लैग मार्च किया और लोगों को इस महामारी से बचने की सलाह दी। आज प्रखंड मुख्यालय स्थित सीमा सड़क पर कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को मास्क पहनकर चलने की हिदायत दी, जिसमें टेरागाज पुलिस व अंचल अधिकारी, टेरागाज प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल थे। वहीं सांख्यिकी पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने सभी आने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर चले और सोशल डिस्टेंस बना के रखे, कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, इसी को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। कल से नहीं पहनने वाले पर जुर्माना वसूला जाएगा। टेरागाज प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी कुमार पंडित ने टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत का दौरा किया और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवास योजना का जांच किया। ज्ञात हो कि जो लाभुक पहला व दूसरा किस्त लेने के बाद भी आवास निर्माण नहीं कर रहे हैं, उसको जागरूक एवं हिदायत दिया जा रहा है कि आप अविलंब आवास पूर्ण कर रहे हैं, नहीं तो होगी कार्रवाई।